इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं, ये विजुअल्स आपको डायरेक्टली जोजिला से दिखा रहा हूँ। तो अच्छी खबर ये है कि आज लगभग 30 से 40 गाड़ियों को छोड़ दिया गया, लेकिन शाम के वक्त जो है फिर से ट्रैफिक को रिज्यूम कर दिया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुए थे। ये वीडियोज़ में आपको शाम के वक्त के वीडियोज़ दिखा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे गाड़ियों को आज छोड़ दिया गया, लगभग 30 से 40 के आसपास में गाड़ियों को छोड़ दिया गया। लेकिन ये विजुअल्स सुबह की है जब ट्रैफिक जो है उस समय नहीं छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी कोशिश हो रहा था कि छोड़ देने का। इसको मद्देनजर रखते हुए बाद में जब मौसम सही हुआ तो 30 से 40 गाड़ियों को आज छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में शाम के वक्त फिर से मौसम खराब और बारिश होने की वजह से ट्रैफिक को फर्दर रिज्यूम कर दिया है। हो सकता है बाकी गाड़ियों को कल सुबह छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम कल तो थोड़ी ख़राब रहेगी, मौसम एडवाइजरी जारी हुआ था लेकिन ट्रैफिक का एडवाइजरी अभी तक मतलब जारी नहीं हुआ। इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ ट्रैफिक को रिज्यूम कर दिया है, हो सकता है कल सुबह गाड़ियों को फिर से जो रह गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। गुज़श्ता 11 दिनों से बंद रहने के बाद सोनमर्ग कुमरी शहरा जुमरात को खोल दिया गया और मुसाफिर गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल की तरफ जाने की इजाज़त दी गई। एक अहलकार ने बताया कि सिर्फ मुसाफिर गाड़ियों को ही आज शाम करीब 5 बजे के बाद चलने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा कि मुकाम की जानिब से सड़क की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जुमरात मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। सकते हैं अभी सोनमर्ग से इन गाड़ियों को जो है जाने दे रहे हैं और पैसेंजर गाड़ी और लाइट मोटर व्हीकल्स सारे गए हैं एंड सेफली द्रास भी पहुंच गए एंड करगिल भी पहुंच चुके हैं। हम करगिल के आपको कुछ विजुअल्स दिखाएंगे। ये देखिए, ये है करगिल टैक्सी स्टैंड के कुछ विजुअल्स जहां पे ये गाड़ियां जो है जो सोनमर्ग से आ रही थी वो सेफली पहुँच चुकी हैं। तो